स्वागत है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर m को देख लें, सो m हमारे पास क्या है, m है हमारे पास x प्लस वाई एंड साथ में x प्लस वाई आएगा, आई तो नहीं लिखेंगे, एंड देन n हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस हमारे पास है y स्क्वायर, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। एंड अगर आप चाहें तो आप उसको बाहर भी ले सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x सबसे पहले ले लेंगे, सो हमारे पास पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x आ जाएगा 1, एंड अब ले लेंगे पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y, सो वो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y, सो वो भी 1 आ जाएगा। पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x लेंगे, सो जब x के रिस्पेक्ट से लेंगे सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x, माइनस 2x। पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y के रिस्पेक्ट से लेंगे सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 2x और 2xy हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2x, 2y, सॉरी x नहीं 2y। अच्छा ये हमारे पास प्लस है, सो अगर हम लोग माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जाएगा, सो ये वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी, सही है। सो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ हो गई हैं। नाउ हम लोग सर्कुलेशन ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डबल इंटीग्रेशन रीजन पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x प्लस पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y विद d ऑफ x एंड d ऑफ y। सो चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, m विद x की वैल्यू क्या है 1, सो ये हो जाएगा डबल रीजन, ये हो जाएगा 1 प्लस n विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू क्या है 2 ऑफ y, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 ऑफ y, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 ऑफ y, d ऑफ x, d ऑफ y। अब हमारे पास जो है लिमिट उसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगी हमारे पास 0 से 1 और ये हो जाएगी हमारे पास 0 से x। नाउ इसको d विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो दिस विल बिकम 0 से 1, ये हो जाएगा x माइनस 2 एक्स वाई, लिमिट है 0 से x एंड d ऑफ y हो जाएगा, सही है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले y और फिर x को यूज़ करें तो हमारे पास जो है लिमिट की, जो हमारे पास लिमिट में एक वेरिएबल गिवन है तो ये सॉल्व हो जाएगा, सो वी विल यूज़ d ऑफ y देन d ऑफ x, तो d ऑफ y के रिस्पेक्ट से कर लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास y एंड 2 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से x हमारे पास लिमिट है, d ऑफ x आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1, ये इसमें लिमिट पुट करेंगे x हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जीरो पुट करेंगे तो 0 0 आएगा, तो इट डजेंट मैटर, हम उसको स्किप कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x। नाउ इसको विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे तो इट्स विल बिकम ईजी, इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास नहीं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट है 0 से 1, सॉल्व करेंगे लिमिट पुट करेंगे 1 और माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3 एंड फिर माइनस 0 माइनस 0, सो आंसर विल बिकम 1 बाई 6 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है फ्लक्स का आंसर आ चुका है, नाउ सर्कुलेशन फाइंड करेंगे। सर्कुलेशन फाइंड करेंगे तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डबल इंटीग्रेशन विद रीजन पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y एंड साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y। सो यहाँ पर भी लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 एंड ये हो जाएगा 0 से x एंड n बाय x हमारे पास क्या है, n बाय x माइनस 2y, सो ये हो जाएगा माइनस 2x एंड m y, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा d ऑफ x एंड d ऑफ y। सो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले d ऑफ y यूज़ करेंगे देन d ऑफ x यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा d ऑफ y d ऑफ x, सो ये हो जाएगा 0 से 1, इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 2 एक्स वाई माइनस y आ जाएगा, लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से x d ऑफ x, लिमिट पुट करेंगे 0 से 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2x और 2x हो जाएगा स्क्वायर
एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स और साथ में डी ऑफ एक्स। अब आप माइनस कॉमन ले ना ले, इट्स योर ओन चॉइस, आंसर विल बी सेम। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर लेंगे, माइनस टू एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। लिमिट जीरो से वन आ जाएगी, पहले वन पुट करेंगे देन जीरो पुट करेंगे, आंसर विल बी माइनस सेवन बाय सिक्स। एंड दैट सॉल्व, हमारे पास सर्कुलेशन आ चुका है। नाउ फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन। तो आ गए क्वेश्चन नंबर नाइन पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो m है वो क्या है, m इक्वल है हमारे पास x प्लस ई एक्स साइन वाई के, एंड साथ में n है हमारे पास x प्लस e की पावर x cos ऑफ y। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x। सो यहाँ पर करते हैं पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू है वन, और अगर e की पावर x से देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास है तो हम लोग उसको भी लेंगे। ये हो जाएगा e की पावर x साइन ऑफ y, पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y लेंगे। सो ये हो जाएगा x तो नहीं आएगा, ये हो जाएगा e की पावर x साइन से हमारे पास क्या आता है cos ऑफ y। नाउ पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x लेंगे सबसे पहले, सो दिस विल बिकम वन प्लस e की पावर x cos ऑफ y, एंड देन पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y लेंगे सो वो क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर x cos से क्या आता है माइनस साइन, सो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ y। सही है। नाउ फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स की जो फॉर्मूला है वो क्या है, डबल रीजन r, और ये हो जाएगा पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ x प्लस पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ y डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। सो चलिए अब यहाँ पर ले लेते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर कार्टीजन से पोलर में चेंज करेंगे, तो दिस विल बिकम माइनस पाई बाय फोर, एंड ये हो जाएगा पाई बाय फोर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो से स्क्वायर रूट कॉस टू ऑफ पाई, ये हो जाएगा हमारे पास आर डी ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो है इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई कर लेंगे, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर हो जाएगा, एंड साथ में यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद लिमिट, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी आर स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे वन बाई टू को बाहर निकाल लेंगे, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस टू ऑफ थीटा हो जाएगा, एंड साथ में डी ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो ये हो जाएगा हमारे पास वन बाय फोर एंड साइन टू थीटा माइनस पाई बाय फोर लिमिट से पाई बाय फोर। लिमिट पुट करेंगे वी विल गेट द आंसर दैट इज़ वन बाय टू, एंड दैट्स ऑल, हमारे पास फ्लक्स आ चुका है। नाउ करेंगे सर्कुलेशन फाइंड। सो सर्कुलेशन का फॉर्मूला भी अब सबको याद हो जाना चाहिए, सर्कुलेशन आ गया है हमारे पास, फॉर्मूला है डबल इंटीग्रेशन रीजन पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x एंड d ऑफ y। सो ये हमने फॉर्मूला लगा लिया है, नाउ इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज पार्शियल n बाय पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास क्या है n y x, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे, दिस विल बिकम वन प्लस ई की पावर x cos ऑफ y माइनस एम वाई, एम वाई की वैल्यू ये है ई की पावर x cos ऑफ y साथ में d ऑफ x एंड d ऑफ y। लिमिट हमारे पास क्या होंगी, लिमिट हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे माइनस पाई, वही लिमिट होगी जो हमने पहले यूज़ की थी माइनस पाई बाय फोर, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय फोर, ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट कॉस टू पाई। तो अगर यहाँ पर हम देखें सो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, वन रह जाएगा साथ में आ जाएगा आर
वन हो गया, तो वन को आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ही आएगा डी ऑफ आर एंड डी ऑफ थीटा। अब ये वाला जो चीज़ है हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, आंसर क्या आया था, आंसर आया था 1/2, तो हम लोग उसी को ले लेंगे, अब यहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो आंसर हमारे पास जो है सर्कुलेशन का भी 1/2 आ गया और हमारे पास फ्लक्स का भी आंसर सेम था, बिकॉज दोनों को हमने पोलर में चेंज किया था, दैट्स वाई। सो ये हो गया है, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।